भारत में गरीबी और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। भारत को एक विकासशील देश बनाने के लिए इन कमजोरियों से निजात पाना बेहद जरूरी है। आज इसके लिए कई संस्थान आगे आए हैं, जिनमें पहला नाम है ल्यूपिन फाउंडेशन। भरतपुर जिले में ल्यूपिन फाउंडेशन ने अपना 30वां स्थापना दिवस सोमवार 2 अक्टूबर को मनाया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे पूर्व कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य प्रोफेसर विजय शंकर व्यास की अध्यक्षता में आयोजित हुआ ये कार्यक्रम, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 30 लोगों को सम्मानित किया गया। आज भी देश के 75% जनसंख्या ग्रामीण भारत में रहती है, जिसके लिए रोजगार उत्पन्न करना अत्यंत आवश्यक है। इस कार्यक्रम में अहम मुद्दा गरीबी और रोजगार को मानते हुए उस पर चर्चा भी हुई और कई सुझाव भी सामने आए, जैसे लोगों के सशक्तिकरण के लिए आगामी वर्षों में 25,000 युवाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर लुपिन द्वारा कृषि, पशुपालन, ग्रामीण उद्योग, महिला सशक्तिकरण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा व निर्माण कार्यों आदि क्षेत्रों में किए गए कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। इसी कार्यक्रम के दौरान ल्यूपिन फाउंडेशन की वार्षिक रिपोर्ट की पुस्तिका का विमोचन अतिथियों द्वारा हुआ।